लाफिंग बुद्धा, इतिहास का सबसे सुखी साधु। एक इंसान के जीवन में समृद्धि, भरमार, संतोष, प्रसन्नता और भाग्य का प्रतीक। सालों से लोग घर में, ऑफिस में, गाड़ियों में, रेस्टोरेंट और मंदिरों में आदि जगहों पर ये लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां रखते आ रहे हैं। कुछ लोग इसे भाग्य को आकर्षित करना समझते हैं, कुछ लोग इसे बस एक शोपीस समझते हैं, तो कुछ लोग प्रसन्नता के लिए इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे आप इसे किसी भी कारण से अपने पास रखो, अगर दिन में एक बार भी इस पर नजर पड़ जाए तो इंसान अंदर से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करने लगता है और आपका दिन आनंदमय जाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग केवल लाफिंग बुद्धा की इन मूर्तियों से ही परिचित हो। बाकी क्या आपने कभी सोचा है कि असल जिंदगी में लाफिंग बुद्धा कौन थे और इनकी लाइफस्टाइल, थिंकिंग कैसी थी? और आज के समय में लाफिंग बुद्धा घर में रखना इतना लकी क्यों माना जाता है? हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोग अब थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे होंगे कि हाँ, हमें तो सच में इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। दोस्तों, निश्चिंत रहे, क्योंकि हमने लाफिंग बुद्धा के जीवन पर और इससे रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र पर कुछ रिसर्च करी है और इस छोटे से वीडियो में उनके गहरे जीवन को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको केवल इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर लाफिंग बुद्धा कौन थे, वो दिखने में कैसे थे, यानी उनका अपीयरेंस। क्या गौतम बुद्ध ही लाफिंग बुद्धा है? लाफिंग बुद्धा की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो कि इनके आचार और विचार दोनों को स्पष्ट कर देगी। हम जो लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं वो कितने प्रकार के हैं और हर एक का अर्थ क्या होता है? इन लाफिंग बुद्धा को एस्ट्रोलॉजी की नजर से घर में कहा किस दिशा में और इसे रखते समय कौन सी सावधानियां बरसनी चाहिए जिससे कि इसका उचित से उचित लाभ हमें मिले, और अंत में इस लीजेंड साधु के मृत्यु की कहानी भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रख दो, क्योंकि ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते हैं। पिक 7, लाफिंग बुद्धा असल में एक चाइनीज मॉन्क यानी एक चाइनीज साधु थे। इनको चाइना में बुद्धई के नाम से जाना जाता था। चान बुद्धिज्म यानी चाइनीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म में इन्हें मैत्रेय बुद्धा का दर्जा मिला है। मैत्रेय बुद्धा मतलब भविष्य के बुद्धा, दूसरे शब्दों में महात्मा बुद्ध का ही एक रूप। इनका विनोदी, मजाकिया स्वभाव और उनकी संकीर्ण जीवन शैली के कारण वे अन्य बुद्धिस्ट मास्टर से अलग पहचाने जाते थे। माना जाता है कि अगर कोई इंसान ध्यान करके ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो वो बुद्ध बन जाता है। कुछ ऐसा ही इन बुद्धिस्ट के साथ भी हुआ। संसार का त्याग और कड़ी तपस्या के बाद ज्ञान पाकर वे भी बुद्ध बन गए। जब उन्हें इस ज्ञान की अनुभूति हुई, वे उसी जगह उठकर जोर जोर से हंसने लगे और आजीवन हंसते रहे, और यही बने आज के हमारे लाफिंग बुद्धा। पिक 6, जापानीज ज़ेन परंपरा में इनका होते ही नाम से उल्लेख होता है। इनका बुद्धिस्ट नेम की सी था। चेहरे पर हमेशा हंसी के कारण उन्हें लाफिंग बुद्धा कहा जाता था। वैसे ही दिखने में वे थोड़े मोटे थे, इसी कारण लोग उन्हें फैट बुद्धा के नाम से भी पुकारने लगे। कई बार इनका हैप्पी बुद्धा और बाल्ड मॉन्क यानी गंजे साधु के नाम से भी उल्लेख है। चाइना में उन्हें बुद्धई या फिर पुताई के नाम से जाना जाता था। इस शब्द में चाइनीज भाषा में बुद्धई का अर्थ होता है एक क्लॉथ सैक यानी एक कपड़े की झोली। आपने हमेशा उनकी पीठ पर यह झोली देखी होगी। अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए वे गांव गांव घूमते रहते और इस झोली में वे हमेशा छोटे बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां लेकर घूमते थे, और बदले में लोगों के दुख और संकटों को इस झोली में भर देते थे। पिक 5, क्या गौतम बुद्ध ही लाफिंग बुद्धा है? जब लोग इन्हें जानने लगे, वैसे दुनिया भर में इनका अलग अलग वक्त और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से प्रचार हुआ और इन्हें गौतम बुद्ध ही माना गया, और आज भी कई लोग इन्हें गौतम बुद्ध ही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वे महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ये खुद गौतम बुद्ध ना होकर उनके आचार और विचार के रूप थे। पिक 4,
चलो आपको इनके विचारों की एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जिन परंपरा को अच्छे से समझ लो। जिन ट्रेडिशन वो है जो महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और ध्यान करके ज्ञान की प्राप्ति पर विश्वास रखते हैं। लाफिंग बुद्धा एक जिन बुद्धिस्ट थे। लाफिंग बुद्धा खुद तो हमेशा ही हंसते रहते, लेकिन गांव-गांव जाकर लोगों को भी हंसाते रहते। उनके पास देने के लिए ना कोई उपदेश था और ना कोई ज्ञान, बस लोगों को एक ही मैसेज देना था कि हंसते रहो। लोगों को उनका सहवास पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनकी ख्याति दुनिया भर में फैलने लगी। एक दिन वे ऐसे ही हंसते हुए एक गांव में गए। उनको देख के बच्चे उनके पास आए। लाफिंग बुद्धा ने अपनी झोली में से खिलौने और मिठाइयां बच्चों को थमा दी और वे जोर जोर से हंसते हुए बच्चों को चुटकुले सुना रहे उनके साथ मिट्टी में खेलने लगे। पास ही में मौजूद एक जीन महाज्ञानी ने ये चित्र देख लिया। वे बड़े गुस्सा हुए। आखिर एक जीन साधु का बर्ताव ऐसा कैसे हो सकता है? इसके कपड़े इतने ढीले ढाले हैं, एक मोटी सी बैग लेकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है और ना ही इसमें एक भी गुण साधुओं वाला दिखता है। ऐसे लोग साधुओं के सत्य ज्ञान और शिक्षा को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की थामी। दूसरी ओर लाफिंग बुद्धा हंसते चेहरे को लेकर अपने दूसरे मुकाम की ओर बढ़ने लगे। तभी इन महाज्ञानी ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके गले पर एक तलवार लगाकर उनसे पूछा कि बताओ जीन का अर्थ क्या है। इस पर लाफिंग बुद्धा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हंसी को रोक दिया और अपनी झोली को जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया और फिर से हंसने लगे। महाज्ञानी को कुछ समझ ना आया और उन्होंने फिर पूछा, बताओ किसी को जीन का एहसास कैसे होता है। इस पर लाफिंग बुद्धा ने नीचे पटकी झोली फिर से उठा ली और हंसते हुए अपने रास्ते चलने लगे। कुछ देर बाद उन महाज्ञानी को एहसास हुआ कि बिना कुछ बोले लाफिंग बुद्धा ने उनके प्रश्नों के बहुत ही गहरे उत्तर दिए हैं। उन्हें तब पता चला कि लाफिंग बुद्धा कितने महान विचारक हैं। उन्होंने हाथ से तलवार नीचे फेंक दी और लाफिंग बुद्धा से जाकर माफी मांगी। दोस्तों, इस स्टोरी से लाफिंग बुद्धा हमें क्या सिखाते हैं? प्रश्न था, जीन का अर्थ क्या है? खुद पर मौजूद बोझ को पटक दो। इमोशनल, मेंटल, अपने भूतकाल के विचार, भविष्य की चिंता, एवरीथिंग। दूसरा प्रश्न था, जीन का एहसास होना किसे कहते हैं? यहाँ तक ठीक है कि तनाव भरी जिंदगी में आप कभी कभी अपने बोझ को थोड़ा सा हल्का करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां उनसे तो आप जिंदगी भर भाग नहीं सकते। इसीलिए इस बोझ को बोझ न समझकर बड़ी जिम्मेदारी से अपने कंधों पर रखे और काम करते रहे। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा के ये विचार आपको कैसे लगे, अपने विचार कमेंट में स्पष्ट करना। पिक 3, हमने अभी तक वीडियो में लाफिंग बुद्धा की निजी जिंदगी के बारे में जाना। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाफिंग बुद्धा घर में रखना सुख, संपदा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब कई लोग लाफिंग बुद्धा को घर में लाते तो है, लेकिन उन्हें इसका उचित फल नहीं मिल पाता। कारण, ज्ञान की कमी। इन लाफिंग बुद्धा को कहा, कैसे, किस कारण से घर में लाते हो, इसके ज्ञान की कमी। लेकिन आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आगे वीडियो में हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस प्रॉब्लम का सही मार्गदर्शन देंगे। आपको कई आध्यात्मिक स्थानों पर या अन्य जगहों पर यह लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये मूर्तियां कई प्रकार की होती है। चलिए एक एक करके सारे टाइप्स और उनके अर्थ को समझते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए लाफिंग बुद्धा अच्छे भाग्य का प्रतीक और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। संतान प्राप्ति के लिए सबसे उचित लाफिंग बुद्धा, इसे रूम में पश्चिम दिशा में रखें। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर रखता है। किसी भी कार्य में बस बैड लक चल रहा हो और सफलता का नामो निशान ना हो तो इस टाइप के लाफिंग बुद्धा को पास रखना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा किसी भी बिजनेस या काम को शक्ति देता है। अच्छे चल रहे बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और खराब चल रहे बिजनेस को बल देने का काम करता है। थैली लिए लाफिंग बुद्धा इनकम बढ़ाने के लिए इसे अपने ऑफिस के गेट पर रखें। ध्यान रहे, भरी हुई थैली का ही बुद्धा लेना चाहिए। धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा अति शुभ
और पैसों से जुड़ी हर समस्या का निदान होता है। धातु से बने लाफिंग बुद्धा आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना जैसी कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, तब इसका प्रयोग करें। इसे हमेशा नॉर्थ दिशा में रखना चाहिए। नाव में बैठे लाफिंग बुद्धा सफलता लाते हैं। इसके लिए नाव अंदर की ओर आ रही है ऐसी दिशा में अपने वर्किंग टेबल पर रखना चाहिए। ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा, गुस्सेल स्वभाव वाले लोग इसे जरूर रखें। सुख शांति समाधान और मन को एकाग्रचित करता है। वूलू लिए लाफिंग बुद्धा, वूलू एक फल होता है जो कि निगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच लेता है। ये समृद्धि का भी प्रतीक है। सोने के सिक्के लिए लाफिंग बुद्धा, आसान बात है, धन प्राप्ति का प्रतीक है। मोती लिए क्रिस्टल बुद्धा, ज्ञान और समझ का प्रतीक। अपने स्टडी टेबल पर इसे हमेशा रखें। पिक 2, लाफिंग बुद्धा को कहा किस दिशा में और क्यों रखना चाहिए, जिससे कि इसका पूरा पूरा रिजल्ट हमें प्राप्त हो। अपने लिविंग रूम में एक ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि यदि कोई घर में प्रवेश करता है तो उसकी नजर इस पर आसानी से पड़े। मुख्य द्वार के सामने रखने से घर में आने वाली निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदल जाती है। ज्यादातर यदि पूर्व दिशा में ये फेस करे तो और भी शुभदायी माना जाता है। अब जरा उन बातों पर गौर करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। पहली, कभी भी लाफिंग बुद्धा को जमीन पर ना रखे। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी फेंग शुई के अनुसार इसे सम्मान के साथ घर में लाना और रखना चाहिए। इसे कभी भी किचन बाथरूम या स्टोर रूम जैसी जगहों पर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, इसे हमेशा इतनी ऊंचाई पर रखें जिससे कि एक एवरेज कद वाले इंसान को ये ठीक सामने दिखे। शायद जमीन से 30 इंच ऊपर तक भी ठीक है। तीसरा, इसे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पास नहीं रखना चाहिए, टीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं। चौथा, अगर यदि किसी कारण लाफिंग बुद्धा को मेन डोर की दिशा में नहीं रख सकते तो उसे किसी ऐसे कॉर्नर में रखना चाहिए जिससे कि वो मेन डोर की तरफ मुंह करे। पिक 1, एक बुद्धा का कभी भी अंत नहीं होता। वे हमेशा अपने विचारों और शिक्षा से अमर रहते हैं। लाफिंग बुद्धा के साथ भी ठीक ऐसा ही है। उनके भी मृत्यु के बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको जीन कहानियों में से एक कहानी जरूर सुना सकता हूँ जो कि एक जीन लाफिंग बुद्धा की ही बताई जाती है और शायद से वही सच्चे लाफिंग बुद्धा है। अपने जीवन के मकसद में वे गांव गांव भटकते रहते। जब वे ऐसे ही एक गांव में थे तब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मरने से पहले उन्होंने अपने कपड़े ना उतारने की आखिरी इच्छा प्रकट की थी। गांव के लोग बड़े दुखी थे क्योंकि इनका सहवास गांव में आनंद लेकर आता था। उन साधु की आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्होंने उन्हीं कपड़ों पर उनके शरीर को अग्नि लगा दी। थोड़ी ही देर बाद उस आग से जोर जोर से पटाखों की आवाज आने लगी और आसमान में पटाखों के रंग फैलने लगे। इसे देख लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और सारा गांव मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखता रहा। मरने के बाद भी इन भिक्षुक ने लोगों को हंसते रहने का ही संदेश दिया और इस तरह आजीवन वे हंसते रहे और लोगों को भी हंसाते रहे। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा लाने से घर में खुशियों की बारिश होती है और आने वाले दुखों से लड़ने का बल मिलता है। इसीलिए इसे कभी भी एक सामान्य वस्तु समझने की भूल मत करना। इन मूर्तियों में शक्ति हो या ना हो, पर आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तभी आप इनकी शक्तियों को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। धन्यवाद।